हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। हाय, हेलो, होला, लो एंड नमस्ते। आज का टॉपिक रक्षाबंधन बिना बहन की। उदास क्यों बैठा है? पता नहीं है क्या आज क्या है? आज राखी बंधन है। आज मेरा कोई बहन नहीं है और मुझे कोई राखी बांधने के लिए भी नहीं आया है। ओके, बैठो। आज मैं बहन होकर तुम्हारे हाथ में राखी बांधूंगी। क्या आप मेरे हाथ में राखी बांधोगे? ये ढिंकिचका ये। मुझे मेरे मामा ने राखी बांध ली। ये मेरे हाथ में राखी बांध गई है। यस यस या ढिंकिचका यस। ओ बहन मेरी तू नन्नी सी, तेरे आने से गुल चहक उठा। तू प्यारी से एक गुड़िया है, फूलों की महक खुशबू की तरह। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, ठीक है। और आज का जो ये टीचिंग है हमारे इस वीडियो का, यह है कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे परिवार होते हैं जिसके भाई के पास बहन नहीं होती है और बहन के पास भाई नहीं होती है। और इसी हालत में माँ और पिताजी का बहुत सारे रूप होते हैं, जैसे कि माँ एक माँ बन सकती है, एक नानी जी बन सकती है, दादी भी बन सकती है और हमारी बहन भी बन सकती है, ठीक है, ऐसे बेटी भी बन सकती है। और पिताजी का जो रूप है वो नाना जी बन सकते हैं, दादाजी बन सकते हैं, पिताजी बन सकते हैं, भाई भी बन सकते हैं, एक बेटे भी बन सकते हैं, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि एक बेटे के लिए एक माँ ने बहन का रूप ले लिया, ठीक है। तो ऐसे ही जिन परिवार के पास और जिन भाइयों के पास बहन नहीं है, अपनी माँ उन्हें बहन का रूप देखा कर अपने बेटे को राखी बांधवा सकती हैं, ठीक है। और ऐसे आज के दिन कोई उदास ना बैठे, जैसे कि मैं उदास बैठा था, मेरी माँ आई और मेरे हाथों में राखी बांधवा के चली गई। ऐसे एक बहन भी उदास नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। और उसका अगर भाई नहीं है, अपने बाप को भी वो राखी बांधवा सकती है, ठीक है। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले किसी एक और वीडियो में। अब तक के लिए बने रहे एज़ल टीचिंग।